लव सेक्स और धोखा। रायबरेली जनपद से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। लव सेक्स और धोखा का मामला आया सामने। 5 साल तक शादी के नाम पर युवती का किया गया शोषण। 3 माह की गर्भवती युवती का जबरन करवाया गया एबॉर्शन। गैर जनपद की रहने वाली है पीड़िता। आरोपी युवक सलवन कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। शिकायत के बावजूद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। एसपी की चौखट पर पहुंचकर पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें कि लव सेक्स धोखा का एक बार फिर मामला आया सामने। वहीं आइए जानते हैं पीड़िता ने क्या कहा, भी सुनिए उसी की जुबानी। मेरा ये है कि बरवलिया का रहने वाला लड़का है अशोक कुमार, वो 5 साल मुझे अपने साथ रखा है, मेरी जिंदगी बर्बाद किया है। 3 महीना घर पे रखा, इसके बाद 1.5 साल पूना में रखा। जब मैंने गर्भवती हो गई 3.5 महीना बच्चे का दवा खिला दिया है पूना में। दोबारा जब हुई 4.5 महीना बच्चा का लात मार दिया। फिर इसके बाद मार पीट कर मुझे इलाहाबाद छोड़ गया। इलाहाबाद में मैंने बहुत परेशान थी, मेरा फ़ोन उन सब छीन लिया है। इसके बाद मैंने कंप्लेन करी, मेरे कंप्लेन करने में कोई सुनवाई नहीं हुआ है। दूसरी शादी करने जा रहा है। तो आप रायबरेली क्यों आए हो? रायबरेली में मैं इसलिए आई, मेरा ससुराल है बरवलिया। वो फिलहाल कहाँ है ये? इस समय वो बरवलिया में है अपने घर पे। कौन से थाने का मामला है ये? है नंबर। कौन सा थाना है? थाना उसका थाना सलोन है, मेरा थाना असोथर है। अच्छा, सलोन थाने में आप गई थी? हाँ, सलोन थाने में गई थी। सलोन थाने के पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो हमारा सोचना था वो हमने कर चुके, आप जाइए, हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। डांट के हमको भगा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ बोले कि आप दोबारा जाना चाहती हो? मैंने बोली जी सर मैं दोबारा जाना चाहती हूँ। तो बोले ठीक है, आपकी कार्रवाई हो रही है।